आज हम ये पाठ तृतीय के छात्रों के लिए सामाजिक मानवशास्त्र विषय के संबंध में चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा का विषय रहेगा उसमें हम सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा, उसकी प्रकृति के विषय में चर्चा करेंगे। सामान्यतः सांस्कृतिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र को एक ही माना जाता है। वास्तविकता यह है कि ये दोनों विज्ञान मानव समाज और संस्कृति से संबंधित हैं, अतः इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं होता। जब हम सांस्कृतिक और सामाजिक शब्दों का वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं तो पाते हैं कि इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। संस्कृति की अवधारणा की उत्पत्ति सर्वप्रथम टाइलर ने की। टाइलर के अनुसार उस जटिल समग्र के रूप में संस्कृति को परिभाषित किया जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, प्रथा तथा अन्य कोई भी क्षमता या आदतें जो कि समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। अतः संस्कृति मनुष्य और पशुओं के बीच पाए जाने वाले अंतरों से संबंधित है। प्रमुखतः मनुष्य एक औजार बनाने वाला मालूम पड़ता है, लेकिन साथ ही प्रथाएं, विश्वास और संस्थाएं मानव के पास कुछ ऐसी प्रविधियां हैं जो सामाजिक जीवन को संभव बनाती हैं, उसे आगे बढ़ाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कृषि संबंधी प्रविधियां मनुष्य को भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं तथा कपड़ा बनाने की प्रविधि मनुष्य की मौसम की कठिनाइयों से रक्षा करती है। तात्पर्य यह है कि प्रथाएं, विश्वास तथा संस्थाएं मानव की सामाजिकता की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं एवं उसके सामाजिक जीवन को उन्नत बनाती हैं। लेवी स्ट्रॉस ने सामाजिक मानवशास्त्र केवल सामाजिक संगठन को, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, को व्यक्त करता है, लेकिन यह उन बहुत से विषयों में से है जिनसे मिलकर सांस्कृतिक मानवशास्त्र बनता है। पिटिंगटन ने मानव के पारिवारिक संगठन, उसकी राजनीतिक संस्थाओं, उसके धर्म, जादू व आदिम दशाओं में आर्थिक जीवन के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए हमें अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के वर्तमान में पाए जाने वाले उन लोगों की ओर ध्यान देना होगा जिनके पास लेखन की कोई कला नहीं तथा जिनमें बहुत से तो धातुओं का उपयोग भी नहीं करते। सामाजिक मानवशास्त्र इन सभी से संबंधित है। इस प्रकार पिटिंगटन सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत उन आदिम लोगों के सामाजिक संगठन के एक अध्ययन पर जोर देता है जो वर्तमान में मौजूद है। आपने लिखा कि सामाजिक मानवशास्त्री तत्कालीन आदिम समुदाय का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आदिम तथा सभ्य संस्कृति में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं। अब बात करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ की। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। हथियारों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है, भोजन, वस्त्र व मकान की आवश्यकता होती है, तो दूसरी ओर साथ ही उसे ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उसके ज्ञान, उनके राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण से संबंधी उनके नियम और अंतिम रूप से उनके जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास एवं विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है।
सामाजिक मानवशास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है जिसे संस्कृति के अभौतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में प्रमुखतः समकालीन आदिम समुदाय का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए हमें कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन की। सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। आपने बतलाया कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि भी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, परंतु इसमें विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। इवांस प्रिचर्ड ने माना कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं, यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका अध्ययन प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं जो कि अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। इस परिभाषा के आधार पर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मानवशास्त्र केवल मात्र आदिम समाजों का ही अध्ययन करता है। आपके अनुसार सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्थाओं, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियों, धार्मिक पूजा पद्धति इत्यादि का और इसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। नेडल ने सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया, सामाजिक मानवशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं समझना है। भारतीय समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास ने सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा, यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर दुबे ने सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में लिखा कि नेतृत्व की अमरीकी परंपरा के अनुसार समाज के गठन और प्रक्रिया का अध्ययन मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना अध्ययन केंद्रित करता है एवं इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठनों, सामाजिक व्यवस्थाओं तथा संरचना में रुचि लेता है। अब बात आती है सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन वस्तु या अध्ययन क्षेत्र की। सामाजिक मानवशास्त्र की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु तथा क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अमेरिका में अधिकांश मानवशास्त्री अपने को सांस्कृतिक मानवशास्त्री मानते हैं जो संस्कृति के अध्ययन को अपना प्रमुख विषय समझते हैं। इंग्लैंड में अधिकतर मानवशास्त्री अपने को सामाजिक मानवशास्त्री कहते हैं और वे समाज, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। प्रथम परंपरा के लोग जो अपने को संस्कृति के अध्ययन से संबंधित मानते हैं, टाइलर व बोआस से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और दूसरी परंपरा के लोग जो अपने को समाज के अध्ययन से संबंधित मानते हैं, दुर्खिम एवं रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों से प्रभावित हैं। लूसी मेयर ने लिखा कि अधिकांशतः वर्तमान सामाजिक मानवशास्त्री
अपने विषय को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में मानते हैं। यहां पर हम अध्ययन वस्तु के नकारात्मक पक्ष पर नजर डालते हैं। कुछ विद्वानों ने सामाजिक मानवशास्त्र की विषय वस्तु व अध्ययन क्षेत्र को अधिक स्पष्टता से समझाने के लिए कुछ नकारात्मक बिंदु प्रस्तुत किए। पहला है, सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। दूसरा, सामाजिक मानवशास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखता है। तीसरा है, सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता। चौथा है, सामाजिक मानवशास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधता। इन कुछ बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सांस्कृतिक मानवशास्त्री और एक सामाजिक मानवशास्त्री अध्ययन को किस तरीके से फोकस करता है, केंद्रित करता है। अब सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र में निम्न बातें आती हैं, निम्न बातों को स्वीकारा जाता है। पहला, वास्तविक रूप से पाए जाने वाले संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध तथा सामाजिक व्यवस्थाएं। दूसरा है, उस समाज विशेष के सदस्य इनको किस रूप में समझते हैं, इन सबका क्या अर्थ लगाते हैं। और तीसरा, उस समय विशेष में इन सबसे संबंधित कौन कौन से मूल्य पाए जाते हैं, लोगों के सामाजिक, वैधानिक तथा नैतिक मूल्य क्या हैं। सामाजिक मानवशास्त्र में संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इवांस प्रिचर्ड ने अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। आपने पांच बिंदु दिए। पहला बिंदु है, सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी प्रणालियां, धार्मिक पूजा पद्धति आदि। दूसरा है, सामाजिक मानवशास्त्र विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है और उनकी आधुनिक सभ्य समाजों से तुलना करता है। आकार की लघुता, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी, सरल अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक प्रकारों के कम विशेषीकरण के कारण इन आदिम या सरल समाजों का सरलता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। तीसरी बात है, सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, न केवल आदिम समाजों का, परंतु व्यवहार में तथा सुविधा के दृष्टिकोण से इसका ध्यान अधिकांशतः आदिम व सरल समाजों की संस्थाओं पर रहा है। फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन का भौगोलिक फैलाव काफ़ी विस्तृत है। विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए लोग, उनके समाज, उपसमाजों का अध्ययन, इस विज्ञान का विशेष फैलाव भी अधिक है। इससे राजनीतिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, रंग, लिंग या पद पर आधारित वर्ग संबंधी अंतरों, आर्थिक संस्थाओं, कानूनी या अर्ध कानूनी संस्थाओं, विवाह, सामाजिक अनुकूल तथा संपर्क, सामाजिक संगठन या संरचना का अध्ययन आता है। पांचवा पॉइंट है, सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का अध्ययन किया जाता है, ना कि संस्कृतियों का। सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक संबंधों का, एक समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इवांस प्रिचर्ड की मान्यता है कि यद्यपि संस्कृति से संबंधित समस्याएँ तथा समाज से संबंधित समस्याएँ दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए। सामाजिक मानवशास्त्र की विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक संरचना के भाव के रूप में किया जाता है, ना कि आत्मनिर्भर पृथक इकाई के रूप में। इस तरह हम आज सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा और उसके अध्ययन वस्तु का अध्ययन किया।